नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। दोस्तों आज हम ऐसी गाड़ी के साथ हैं जिसको आप चॉपर ड्रिवन है, पीछे बैठ के जाना पसंद करते हैं या खुद चलाना पसंद करते हैं, तो 520D 2013 मॉडल है। मेरे मित्र हैं अनमोल, मैं उनका परिचय आपसे बाद में करवाऊंगा। बट गाड़ी आप देख सकते हैं एक्सटीरियर में बहुत ही शानदार टाइमलेस डिज़ाइन, 2013 के हिसाब से अगर आप देखें तो आज की डेट में भी इसका डिज़ाइन जो है इट्स सो रेलिवेंट, इट्स लुकिंग सो ग्रेसफुल, सो एलिगेंट। आयल से क्रीजेज अगर आप देखें, अगर आप इसकी पेंट क्वालिटी देखें, अगर आप इसका फ्रंट फेशिया देखें, इट्स आयल से वेरी एलिगेंट। इन पर्सन आई कैन कीप लुकिंग एट इट फॉर स्ट्रेट 6-7 आवर्स। आयल से अगर मैं हेडलाइट्स की बात करूं तो LED सेटअप इसमें है। आई बिलीव 2013 में जब ये गाड़ी आती थी तो आई एम नॉट श्योर, मैंने UK में देखा है कि तब हैलोजन था, बट इनके पास जो लग्जरी वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट है, उसमें LED लाइट्स इसमें हैं। हैलोजन आपको फॉग लैम्प मिलेगा, यहाँ पे आपको हेडलाइट वॉशर्स मिल जाएंगे। ग्रिल की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही हाई क्वालिटी 2-slate ग्रिल है, और जो ये प्लास्टिक और क्रोम यूज़ किया गया है, इट्स वेरी हाई क्वालिटी। अगर देखा जाए 2013 के हिसाब से तो आज की डेट में भी ये क्रोम जो है ये बिल्कुल भी फेड अवे होना शुरू नहीं हुआ है, कोई इस पर ब्लैक मार्क्स नहीं है। BMW का लोगो, बाकी ये एयर डैम ग्रिल। इसके अलावा अगर मैं बम्पर की क्वालिटी करूं, क्योंकि ये ऑब्वियसली 2013 काफ़ी पुरानी गाड़ी है, तो तब के टाइम पे गाड़ी की क्वालिटी जो है उस हिसाब से बहुत अच्छी है। और चार आपको फ्रंट सेंसर्स मिले हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि एमरजेंसी ब्रेकिंग इसमें फ्रंट में है। बाकी अगर मैं इंजन की बात करूं, तो स्ट्रट्स आप देख सकते हैं आपको मिल गए हैं, जिसके कारण बहुत इजीली गाड़ी जो है इसका बोनट खुल गया, आपको उसका वज़न जो है महसूस नहीं होगा। इंजन आप देख सकते हैं, इट्स 2.0 डीजल इंजन, 400 Nm का टॉर्क निकालता है, 190 BHP आई बिलीव ये इंजन है, और थोड़ा सा अनटाइडी है, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। देखा जाए तो बहुत बढ़िया तरीके से सारी इंसुलेशन की गई है, देर आर नो अगली बिट्स व्हाट्सोएवर। लेआउट देखिए आप कितनी बढ़िया लग रही है। 4 इनलाइन सिलेंडर्स हैं आई बिलीव, BMW की बैजिंग है, और ट्विन पावर टर्बो, आई बिलीव इसमें ट्विन टर्बो है, 400 Nm का टॉर्क। और इस गाड़ी का मैंने कर्ब वेट देखा है, दैट इज़ 1950 kgs। आई विल से इट्स ह्यूज, इट्स ऑलमोस्ट एज मच एज टोयोटा फॉर्चुनर, जो कि बहुत बड़ी बात है कि आपको एक अगर लग्जरी सैलून आप चला रहे हो उसका वज़न 2000 किलो के आसपास हो। और अगेन आई विल से इंजन भी बहुत बड़ा है, साथ में आपको ये जो इंसुलेशन है बोनट की वो मिली हुई है, जिसके कारण आपके NVH लेवल्स बहुत बढ़िया रहेंगे, और ये रबर बीडिंग भी सारी इसके आसपास आपको मिली हुई है, जिसके कारण अगेन NVH लेवल्स कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। मैं आपको इंजन का नोट सुना देता हूँ। अभी इसको बंद कर देते हैं दोस्तों। बॉनट पे ये दो क्रीज जो हैं बहुत सुंदर लगती हैं, क्योंकि जैसे ही ये आके थोड़ा इनवर्ड्स आके इधर इकट्ठी होती हैं, लोगो इधर आपको BMW का मिल जाएगा, और साथ में ये 2-slate ग्रिल बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि 2-slate ग्रिल में अगर आप इस तरीके से देखूं तो ये दो क्रीजेस और जा रही हैं, जिसका मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, और चारों क्रीजेस की अपनी अपनी एक मैं बोलूँगा एक रेलिवेंस है। ये दो क्रीजेस फ्रंट में आके इस डिज़ाइन से मिल रही हैं, और ये जो सेंटर वाली क्रीजेस हैं वो लोगो में आके इसमें एम्बेड हो रही हैं। सो फुल मार्क्स टू BMW डिज़ाइनर्स हियर। दोस्तों साइड प्रोफाइल आप देखिए, इट्स सो एलिगेंट। लेंथ देखिए आप, मतलब ऐसी गाड़ी अगर आपके पास होगी तो वन मस्ट फील सो प्राउड के एक तो लो स्लंग है और ऊपर से लंबी है। चलाने में अनमोल कहता है कि इतना मज़ा आता है कि इसके बाद उनके पास वेन्यू है, पोलो भी थी, अभी बेलिनो है, बहुत गाड़ियां रख चुके हैं, बट कहते हैं इसकी जैसी बात अभी तक किसी में नहीं है, एंड दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। डिज़ाइन ना केवल एलिगेंट है, 18 इंचज़ के इनके अलॉय व्हील्स हैं जो कि डायमंड कट हैं, कि इन्होंने 7 सीरीज़ के डलवा रखे हैं, और साइज़ अगर मैं देखूँ 245 50 की प्रोफाइल, 245 की विड्थ, और 18 इंचज़ के अलॉयज़ हैं।
बाकी डिज़ाइन आप देख सकते हो बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है गाड़ी को, और हल्के से बाहर को प्रूड कर रहे हैं टायर्स। मुझे लगता है कि हो सकता है कि जैसे जब स्टॉक फिटिंग होगी तो हो सकता है 225 हो, अभी 245 है। इसके अलावा बहुत प्रोपोर्शनेट डिज़ाइन है। ये क्रीज अगेन अगर आप देखें तो पीछे तक जा रही है और टेल लाइट में जाके मर्ज हो रही है। पैनल गैप्स की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही पतले पैनल गैप्स हैं, जैसे एक हम लग्जरी गाड़ी से एक्सपेक्ट करते हैं वही चीज़ है। ग्रैब हैंडल्स में आपको क्रोम गार्निश हल्का सा मिला हुआ है, और फ्रंट में भी आपको क्रोम गार्निश मिला हुआ है। और अगर आप सारा इसका ये बॉर्डर्स देखें डोर फ्रेम के, तो इसमें आपको ब्रश्ड क्रोम आपको बहुत सुंदर लगता है, बहुत ग्रेस ऐड करता है गाड़ी में। इसका साइज़ भी ठीक है ORVM का, और इसमें मैं हल्की सी देख सकता हूँ कि ये हीटेड ORVMs हैं। और अगेन ये इंडिकेटर्स हैं, पैनल गैप्स अगेन बहुत पतले हैं। नीचे मुझे लगता है कि उसकी लेयर है एंटी रस्टिंग कोटिंग हुई हुई है, और ये चीज़ मुझे प्लास्टिक की लग रही है। बाकी इस गाड़ियों में आप जो शीट मेटल है उसकी कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते। पेंट क्वालिटी ज़बरदस्त है, मतलब आई विल से इट्स इम्पेकेबल। इफ़ यू सी 2013 की गाड़ी है, और पेंट ऐसा है कि जब मैं अनमोल को मिला अभी, कार वॉज लुकिंग लाइक जैसे सिर्फ 2 साल पुरानी हो। तो यही खासियत है ऐसी प्रीमियम कार्स की। सबसे अच्छी बात, बहुत रूमी है, ग्लास एरिया बहुत बड़ा है, क्वार्टर ग्लास भी काफ़ी बड़ा है, और दोनों विंडोज़ जो हैं पीछे वाली भी फ्रंट वाली भी दोनों नीचे तक रोल डाउन होती हैं। ये देखिए फुल मार्क्स। दोस्तों रियर से भी ये गाड़ी बहुत ग्रेसफुल लगती है। अगेन इसके जो आप टेल लाइट्स देखेंगे, LED टेल लाइट सेटअप जो है बहुत ग्रेसफुली मैं बोलूँगा डिज़ाइन किया गया है। बड़े अच्छे से ये बूट में मर्ज होता है डिज़ाइन, और आइकॉनिक डिज़ाइन है। बहुत ब्रांड इसको कॉपी करने की कोशिश भी करते हैं। कुछ क्रीज ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा उधर तक जा रही है। चार अगेन आपको जो सेंसर्स हैं वो मिल जाएंगे, ये आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, ट्विन एग्जॉस्ट आपको मिल जाएगा, और बाकी बहुत अच्छी डेप्थ है इसकी, बहुत अच्छी, बहुत डीप जा रहा है ये। और अगेन क्वालिटी के मामले में जो लग्जरी ब्रांड्स हैं वो अव्वल होते हैं, और ये मुझे लगता है टो हुक है। और बाकी ये 520D की बैजिंग, BMW का लोगो, एंड बूट में आपको दिखाता हूँ खोल के। ये आपको इधर सारी इंसुलेशन मिली हुई है, बहुत अच्छे से इंसुलेटेड है इसका सारा ये बूट। और अगेन इधर आपको इंसुलेशन मिल जाएगी, जो लोडिंग लिप है थोड़ा डीप है, काफ़ी बढ़िया स्पेस है, और आई बिलीव ये इट शुड बी अराउंड 600+ liters। जो व्हील आर्चिस हैं वो थोड़ा सा अंदर को प्रूड करते हैं इस तरफ, बट बड़े बैग्स जो हैं मुझे लगता है 3 bags जो हैं आप रख सकते हो। रूफ़ जो है बूट की उसमें आपको कोई कवर्स वगैरह नहीं मिलेंगे, हुक्स आपको मिल गई हैं इधर, ये 2 hooks हैं। इसके अलावा लैंप आपको दिया गया है, तो वेरी प्रैक्टिकल बूट आई विल से। और दोस्तों इंटीरियर में जैसे ये 520 सीरीज़ है, और अंदर बैठते ही आपको एक एहसास होता है कि आप एक लग्जरी सेडान में बैठे हुए हैं। इंटीरियर एज आई सेड इट्स वेरी प्लश, वेरी हाई क्वालिटी मटेरियल्स, कहीं भी आप टच कीजिए कहीं भी इट फील्स वेरी प्लश, वेरी पॉलिश्ड। अगर मैं इस डोर की बात करूं, इधर आपको कंट्रोल्स जो हैं वो विंडोज़ के मिल जाएंगे, ये जॉयस्टिक जो है इसमें ORVMs के कंट्रोल हैं। इस बटन से आप जो रियर विंडो है उसमें ब्लाइंड्स जो है वो आप सीधी उसमें लग जाएगी। इसके अलावा इधर से आप पीछे वाले विंडोज़ के लॉक कर सकते हैं डोर्स, ताकि वो अपने एडजस्ट ना कर सके विंडोज़ को। इधर जो ये मेमोरी वाले बटन है, इसमें 2 memory options हैं, आपको दो ड्राइवर्स जो हैं अपनी सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। अगेन जो ड्राइवर साइड भी आपको फेल्टिंग का बहुत ध्यान रखा गया है, और पीछे डोर्स में भी आपको फेल्टिंग दी गई है। हिंजेस बहुत मोटे, बहुत बढ़िया इस्तेमाल किए गए हैं, हालांकि आई विल से के मुझे टी रॉक में भी इसी लेवल के ही हिंजेस जो हैं वो लगते हैं। ये चीज़ जो ब्लैक छोटी हिंज है वो वाली भी, तो आई विल से इट्स गुड ऑन BMW's पार्ट। बाकी अगेन ये आपको स्कफ प्लेट BMW की मिल जाएगी, और ये आपको प्लास्टिक में मिलेगा, बट डोर्स में आपको सारा सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेगा, और इस डैशबोर्ड के टॉप में सारा सॉफ्ट टच,
एसी के वेंट्स की क्वालिटी आई एम अमेज्ड के 2013 के हिसाब से भी बहुत बहुत वेल मेंटेन्ड है गाड़ी। हालांकि 40,000 चली है बट स्टिल इन 10 ईयर्स गाड़ी धूप में भी खड़ी होती है, गाड़ी हार्श कंडीशंस को फेस करती है, बट स्टिल जो एसी वेंट्स है उसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। इधर से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे ही आप ज़ीरो आएगा तो हवा आनी बंद हो जाएगी वेंट्स में से, और एक जब है तो पूरा जो है उसका फ्लो रहेगा। ये हेडलाइट्स के कंट्रोल्स हैं, ऑटो पे अभी किया हुआ है, इस तरफ ऑटो, अभी ऑफ, अभी हेडलाइट्स ऑन और अभी फॉग लाइट्स भी ऑन। तो मैं इसको ऑटो पे कर देता हूँ। वाइपर्स के कंट्रोल आपको राइट साइड मिले हैं, जिसमें ऑटो सेंसिंग वाइपर्स इस गाड़ी में हैं, ऑब्वियसली टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो होने चाहिए, और लेफ्ट साइड इंडिकेटर और क्रूज कंट्रोल, और स्टीयरिंग में 3-स्पोक स्टीयरिंग है, एयरबैग लोगो, ये पूरा हॉर्न पैड, और इस तरफ जो है आप सारी जो म्यूज़िक अपना है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये छोटी सी एक जॉयस्टिक दी गई है, और इस तरफ आई बिलीव जो मोड्स हैं इसमें स्पोर्ट मोड, कंफर्ट मोड, और इस तरफ आपको सारे कॉलिंग के कंट्रोल्स हैं। इधर से आप अपनी कॉल, ये वॉइस कमांड, ये आवाज़ कम ज़्यादा, और ये मोड्स हैं, मोड्स आई बिलीव ये रेडियो के मोड्स हैं। बाकी अगर मैं सेंटर कंसोल की बात करूँ, बहुत प्लश लगता है देखने में, स्क्रीन उस टाइम के हिसाब से मैं बहुत अच्छी बोलूँगा, मुझे लगता है 5 inches या 5.5 inches की स्क्रीन है, जिसमें अगेन 2 AC वेंट्स, जिसमें अगेन आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इनके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, और डुअल क्लाइमेट जोन आपको जो एसी है वो मिलता है, पैसेंजर अपने हिसाब से सेटिंग कर सकता है और ड्राइवर अपने हिसाब से, और मोड्स आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक ये गाड़ी है और इसमें आपको स्पोर्ट मोड और कंफर्ट मोड मिल जाएगा। जो गियर लीवर है वो बहुत हाई क्वालिटी महसूस होता है। पार्किंग इलेक्ट्रॉनिक है 2013 के हिसाब से, आई विल से इट वाज एन एडवांस्ड फीचर के 2013 में भी आपको पार्किंग इलेक्ट्रॉनिक मिलती थी। ऑटो होल्ड, और ये नॉब जो है इससे आप स्क्रीन के कंट्रोल्स जो हैं उसको मैनेज कर सकते हैं, मीडिया, मेन्यू, टेलीफोन, बाकी अगर आपने बैक जाना है तो बैक, तो इस हिसाब से सारा आप अपना स्क्रीन को सारा इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें टच कंट्रोल नहीं है तो यहीं से आपको सारा मैनेज करना पड़ेगा। एंड आई हैव टू से कि ड्राइवर बहुत ईजिली इसको एक्सेस कर सकता है, इट्स नॉट लाइक कि उसकी साइड से ये चीज़ थोड़ी दूर हो जाती है। वंस यू गेट यूज टू इट, इट्स वेरी ईजी टू नेविगेट। इधर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, और कभी होल्स की जो है मैंने इंट्रोडक्शन आपको पहले ही दे दी थी, और कभी होल्स बड़े अच्छे से स्मार्टली अंदर दिए गए हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये देखिए, छोटी मोटी बॉटल आप अपनी यहाँ पे रख सकते हो, बट अगेन दे माइट डिस्ट्रैक्ट यू और माइट इट मे बी एन ऑब्स्टिकल अगर आपने एसी के बटन्स यूज़ करने हैं, बट कभी होल्स अच्छे हैं, छोटा मोटा आप अपनी चाबी या कुछ और रख सकते हो। ये बहुत स्मार्ट कभी होल है, इसमें इस बटन से ऑपरेट इसको करना है। ये देखिए, इसमें भी आप अपना हल्का फुल्का कुछ सामान रख सकते हो। एक USB पोर्ट इसमें दिया गया है, ऑक्सिन आपको दिया गया है, और इसमें CD प्लेयर भी है, और इसके अलावा आपको इधर 12 वोल्ट सॉकेट भी दी गई है। और ये जो सन ब्लाइंड्स हैं इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी थिक है, दे फील वेरी हाई क्वालिटी। ये लैम्प हेलोजन आपको मिल जाएगा, अगर आप इसको पीछे करेंगे तो अपने आप हेलोजन लाइट जो है वो आपको जल जाएगी और इजीली आप अपने आप को देख सकते हैं। और दूसरी तरफ भी जो मेरे वैनिटी मिरर है उसमें भी लाइट जो है दी गई है, तो नो कॉस्ट कटिंग व्हाट्सोएवर। दिस आई बिलीव दे आर स्पीकर्स, जब आप फ़ोन पे बात करोगे तो ये उसके लिए सुविधा दी गई है। जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो डैम्पनिंग इफेक्ट के साथ बंद होते हैं, ये देखिए आप, और चारों तरफ दिए गए हैं आपको ग्रैब हैंडल्स, कहीं भी कॉस्ट कटिंग नहीं है। और जो रूफ़ की मटीरियल है, रूफ लाइनिंग मटीरियल है, दे आर वेरी गुड। नेट यूज़ की गई है, इट्स वेरी हाई क्वालिटी फैब्रिक एज यू एक्सपेक्ट फ्रॉम BMW। बाकी ये लैंप्स हैं, रीडिंग लैंप्स, ये सेंटर लैंप हो गया और ये दोनों साइड लैंप्स, और इसी तरीके से पीछे भी आपको सेम सेटअप वहाँ पे दिया गया है, सेंटर लैंप और साइड में 2 रीडिंग लैंप्स। रियर सीट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो सीट ये बिल्कुल पूरी पीछे की गई है, 5.7 मेरी हाइट है और स्पेस आप देख सकते हो। आई बिलीव तब भी जो नी रूम है वो 6 inches के आसपास है, और बाकी सारा सॉफ्ट टच मटेरियल्स, और काफ़ी वाइड फील होती है ये रियर सीट, और
सेंटर में अगर मैं बैठना चाहूँ तो सेंटर में हम्प है, जिसका मतलब है कि सेंटर पैसेंजर थोड़ा सा ऊपर होके बैठना पड़ेगा और लेग्स जो हैं थोड़ी सी वाइड होके बैठनी पड़ेंगी। सेंटर में जो हेड स्पेस है आपको थोड़ा कम मिलेगा, हो सकता है कि जिनकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है उनको थोड़ी दिक्कत आए, बट अगर आप साइड्स पे बैठे हो तो इट फील्स वेरी कंफर्टेबल और बहुत अच्छा हेडरूम आपको इसमें मिल जाएगा। सनरूफ की अगर मैं बात करूँ तो सनरूफ के कंट्रोल्स भी आपको फ्रंट में मिल जाएंगे। वन टच से ही आप जो फ्लैप है उसको पीछे कर सकते हैं और वन टच से ही आप जो ग्लास एरिया है उसको पीछे कर सकते हैं। और बाकी अगर मैं सनरूफ के इंसुलेशन की बात भी करूँ, इट्स इम्पेकेबल, मल्टी लेयर इंसुलेशन है उसमें और बहुत नीट लगती है देखने में। इस तरीके से भी आप एडजस्ट कर सकते हो। लेफ्ट में मैं बटन दबा रहा हूँ और ये सीट का जो हेडरेस्ट है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। बाकी बटन से कैसे एडजस्ट करना था वो मैंने आपको दिखा दिया वीडियो में। इधर कुछ हल्की फुल्की स्टोरेज स्पेस, ये भी हल्की सी एक स्टोरेज स्पेस है, छोटी सी बिल्कुल। अगर सिगरेट वगैरह किसी ने एशेज वगैरह गिरानी है तो मुझे लगता है उसके लिए है। और छोटी सी लाइट इसमें दे रखी है, एक हल्की सी इसमें जो कॉफर लाइट या उसको एम्बियंट लाइट बोल सकते हैं आप, वो दी गई है। फेल्टिंग इसमें भी है और डोर फील्स वेरी सॉलिड। और थर्ड देखिए आप, बाकी इसमें आपको ये जो ब्लाइंड्स हैं वो मिल जाएंगे और इधर से आपने पुल करके इधर आप इसको स्टक हो जाएगी और ये ब्लाइंड्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। दोस्तों अब जो है गाड़ी को चला के देखते हैं, अनमोल की जो ओनरशिप कैसी रही है इतने साल वो पता करके देखते हैं। और रात हो गई है, घर से फ़ोन आने भी शुरू हो गए हैं तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं।